नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम एस्ट्रोजन पे, जो हम जैसा कि पिछले वीडियो में हम देखे थे एस्ट्रोजन का फंक्शन, सिंथेसिस और सिक्रेशन को डिस्कस किए थे, तो अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, फंक्शन में हम इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट, इफेक्ट ऑन द वेजाइना, इफेक्ट ऑन द यूटेरस, इफेक्ट ऑन द फैलोपियन ट्यूब को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तो ज़्यादा अच्छी तरह से आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको एस्ट्रोजन किस टाइप से, किस प्रकार से इफेक्ट करता है, तो हम मेनली इसमें उसी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला है इसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हम बॉडी हेयर, ठीक है। हेयर के बारे में बात करते हैं कि हेयर को कैसे एस्ट्रोजन इफेक्ट करता है। तो बॉडी हेयर ग्रोथ इज लेस, जैसे कि आप दोस्तों मेल में देखे होंगे कि मेल में पूरे बॉडी पे, जैसे कि अपर लिम्स, लोअर लिम्स और चेस्ट पे या फिर बैक पे, बैक रीजन में मेल में बहुत ज़्यादा हेयर प्रेजेंट होते हैं। बट इन फीमेल्स बॉडी हेयर ग्रोथ इज लेस, बट इन प्यूबिक, एक्सिला एंड स्कैल्प हेयर मोर प्रोफाउजली डेवलप इन द फीमेल। फीमेल में स्कैल्प हेयर भी बहुत ही वेल डेवलप होता है, मतलब अच्छी तरह से डेवलप होता है, और प्यूबिक रीजन में भी और एक्सिला रीजन में भी हेयर का ग्रोथ होता है। अब बात करते हैं, एस्ट्रोजन मेक स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ, ऑल्सो इंक्रीज द वैस्कुलरिटी। फीमेल का जो स्किन होता है वो मेल के कंपैरिजन में सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, और वहाँ पे वैस्कुलरिटी भी मेल से ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, शोल्डर्स बिकम नैरो, हिप ब्रॉडर, आर्म्स डाइवर्स एंड थाई कंस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। शोल्डर बिकम नैरो, हिप ब्रॉडर एंड आर्म्स डाइवर्स एंड थाई कंस्ट्रिक्ट। फैट डिपोजिशन इन द ब्रेस्ट एंड बटक्स, फीमेल में क्या होता है कि फैट का डिपोजिशन होता है ब्रेस्ट एंड बटक्स में। ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस, देखिए जो पेल्विस है फीमेल में वो ब्रॉड होता है कंपेयर टू मेल, राउंड ओवल शेप्ड पेल्विस आउटलेट, ठीक है, विथ इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर। सो फीमेल पेल्विस इज डिफरेंट फ्रॉम द मेल पेल्विस। लैरिंग्स प्रोड्यूस हाई पिच वॉइस, यानी कि जो फीमेल में साउंड होता है वो कैसा होता है दोस्तों, हाई पिच वॉइस होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट को कैसे एस्ट्रोजन मेनली अफेक्ट करता है। तो एस्ट्रोजन कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोमल टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में स्ट्रोमल टिश्यू होता है उसको मेनली ये डेवलप करता है। सेकंड है ग्रोथ ऑफ द डक्टाइल सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट में डक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट है उसको भी ये डेवलप करता है। एंड फैट डिपोजिशन ऑन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट पे फैट का डिपोजिशन भी करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम प्रोजेस्टेरॉन और फिर प्रोलैक्टिन की भी बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए फुल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट बाय द प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि कंप्लीट, जब हम बात करेंगे कि कंप्लीट ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट, तो उसमें जो हमारा मेन हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। बट नेसेसरी फॉर लैक्टेशन फंक्शन, तो वो है दोस्तों प्रोलैक्टिन। तो आप तीनों जो भी हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन, तो आप तीनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे यहाँ पे कि फुल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, नेसेसरी फॉर द लैक्टेशन फंक्शन ड्यू टू प्रोलैक्टिन। और यहाँ पे हम एस्ट्रोजन को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फैट डिपोजिशन और डक्टाइल सिस्टम और स्ट्रोमल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। अब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि यानी कि जो ऑस्ट्रोजन है, ऑस्ट्रोजन फीमेल में बोन ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है, और बहुत ही यानी कि फीमेल में जो बोन है वो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोजन से इन्फ्लुएंस है। तो इसको हम देखते हैं कैसे, देखिए एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी कि बोन के ग्रोथ के बारे में है। एस्ट्रोजन कॉजेज अर्ली फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन, यानी कि जो बोन का पार्ट होता है एपिफाइसिस और शाफ्ट। तो देखिए क्या होता है कि बॉडी के ग्रोथ से पहले, यानी कि जब हाइट बढ़ता है तो हाइट बढ़ने से पहले ये एपिफाइसिस और शाफ्ट दोनों ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, यानी दोनों फ्यूज नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोजन कॉज
अर्ली फ्यूजन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल में, ठीक है, फीमेल में तो दोस्तों मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो पुबर्टी एज में एस्ट्रोजन कॉजेज अर्ली फ्यूजन। अब देखिए यहाँ पे जो एपिफाइसिस है और शाफ्ट दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो किसी भी पर्सन या फिर फीमेल का हाइट नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन कॉजेज अर्ली फ्यूजन ऑफ द एपिफाइसिस विद द शाफ्ट ऑफ द बोन, जिसकी वजह से फीमेल का जो हाइट है या फिर फीमेल का बॉडी ग्रोथ है वो मेल से कंपेरेबल लो होता है या फिर कम होता है। सो इन फीमेल्स सीजेस ऑफ द बोन ग्रोथ फ्यू ईयर्स अर्लियर देन इन द मेल्स, ठीक है। देखिए यानी कि मेल से पहले ही यहाँ पे बॉडी का जो बोन है उसमें ग्रोथ उसका सीज हो गया, ठीक है, यानी कि बोन का ग्रोथ सीज होता है फीमेल में पहले। यानी कि देखिए कोई मेल है जो कि 18 या फिर 19 ईयर तक उसका बोन का ग्रोथ होता है यानी उसका हाइट बढ़ता है, बट इन फीमेल ये 17 या फिर 16 18 साल तक ही होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से एपिफाइसिस और शाफ्ट दोनों फ्यूज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फीमेल का हाइट या फिर बॉडी का ग्रोथ अप टू 18 मतलब लास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे बोन का ग्रोथ से मतलब दोस्तों मेनली हाइट से है, ठीक है। आप प्लीज़ पूरे बॉडी के ग्रोथ को मत यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, मेनली हम यहाँ पे हाइट की ही बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ था हमारा यंगर एज में, अब हम पढ़ते हैं ओल्डर एज में। यानी कि जो फीमेल है उसमें ओल्डर एज में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। देखिए इन ओल्डर एज एस्ट्रोजन नॉट सिक्रेटेड या फिर लेस अमाउंट सिक्रीशन होता है। तो देखिए लेस अमाउंट सिक्रीशन होता है या फिर सिक्रीशन नहीं होता है, क्यों, आफ्टर द मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद क्या होता है कि ओवरी का जो भी सारे ओवरी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर एट्रेसिया में चले जाते हैं, जिसको हम फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रेगुलर वे में सिक्रेट नहीं हो पाता या फिर होता भी है तो बहुत ही कम अमाउंट में, लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो एस्ट्रोजन की कमी से यहाँ पे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि वीक जो बोन जो है वो वीक और फ्रेजाइल होता है। बोन्स बिकम्स वीक एंड फ्रेजाइल, यानी कि जो हड्डी है फीमेल में बोन्स वो क्या हो जाता है, वीक और फ्रेजाइल, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से ब्रेक हो सकता है यानी कि टूट सकता है। तो फीमेल में आफ्टर द मेनोपॉज देयर इज ए लैक ऑफ द एस्ट्रोजन ड्यू टू लीड्स डेवलपमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, एंड आफ्टर ऑस्टियोपोरोसिस बोन बिकम्स वीक एंड फ्रेजाइल। ड्यू टू बोन बिकमिंग वीक एंड फ्रेजाइल बोन्स ईजिली ब्रेक डाउन, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि एस्ट्रोजन जो है वो बोन को फीमेल में कैसे अफेक्ट करता है, बोन की ग्रोथ को और बोन को कैसे अफेक्ट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन को हम देखते हैं कि कैसा इसका प्रोटीन और फैट और फिर दूसरे टिश्यू पे इसका इफेक्ट है। तो एस्ट्रोजन इंड्यूसेस द एनाबोलिज्म ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो एस्ट्रोजन है वो प्रोटीन का क्या करता है, एनाबॉलिक एक्टिविटी। यानी कि देखिए मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक जो है वो मेनली फॉर्मेशन करता है, यानी कि बॉडी में प्रोटीन को अटेंड करता है, ठीक है, यानी कि स्टे करता है, रुकने देता है प्रोटीन को बॉडी से, मतलब एक्सक्रीशन या फिर बॉडी से उसको बाहर नहीं जाने देता। तो एस्ट्रोजन इंड्यूस द एनाबोलिज्म ऑफ द प्रोटीन। एस्ट्रोजन कॉज डिपोजिशन ऑफ द फैट, फैट को डिपोजिशन करता है कहाँ कहाँ पे, ब्रेस्ट में, बटक्स में एंड थाई में, ऑल्सो इन द सबक्यूटेनियस टिशू। सबक्यूटेनियस टिशू में भी फैट का डिपोजिशन करवाता है एस्ट्रोजन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, फैट का डिपोजिशन ब्रेस्ट, बटक्स, थाई एंड ऑल्सो ऑन द सबक्यूटेनियस टिशू। अब बात करते हैं दोस्तों, एस्ट्रोजन कॉज सोडियम एंड वाटर बैलेंस, वाटर रिटेंशन फ्रॉम द रीनल ट्यूबुल्स। जो रीनल ट्यूबुल्स है दोस्तों उससे क्या करता है एस्ट्रोजन, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन या फिर रिटेंशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है एस्ट्रोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एस्ट्रोजन का रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में ही बताया था कि एस्ट्रोजन जो है वो जीन लेवल पर
वर्क करता है, यानी कि वो न्यूक्लियर उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों एस्ट्रोजन क्या है, एक स्टेरॉइड्स हार्मोन है, और स्टेरॉइड्स जितने भी हार्मोन्स हैं उनका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर, ठीक है। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, अल्फा टाइप रिसेप्टर एंड बीटा एस्ट्रोजन टाइप रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पे दो रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंड बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। तो अब देखिए अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो है किस किस ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो अल्फा रिसेप्टर प्रेजेंट है प्रेजेंट इन द लीवर, किडनी, हार्ट और यूटेरस, यानी कि यहाँ पे जो हम चार ऑर्गन लिखे हैं यहाँ पे लीवर, किडनी, हार्ट और यूटेरस, यानी कि इन चारों ऑर्गन में एस्ट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो लीवर में भी होता है, किडनी में भी होता है, हार्ट में भी होता है और यूटेरस में होता है। तो जो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, अल्फा टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और बीटा टाइप रिसेप्टर प्रेजेंट इन ओनली इन ओवरीज, यानी ओवरी में भी रिक्वायरमेंट होता है एस्ट्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है दोस्तों, बीटा टाइप रिसेप्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ द एस्ट्रोजन की, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोजन का रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है, यानी कि इसको कौन सीक्रेट करता है और कैसे कैसे सीक्रेट करता है, कैसे इसका रेगुलेशन होता है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों ये हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस क्या होता है दोस्तों, ग्लैंड्स का भी मास्टर होता है, जिसको हम मास्टर ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं या मास्टर ऑफ द ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के तीन पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है GnRH, जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब GnRH सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, और फिर GnRH जो है दोस्तों ये किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया, और एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलता है कि तुम FSH रिलीज करो। FSH क्या दोस्तों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर दिया। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहाँ एक्ट करेगा दोस्तों, ऑन द ओवरी पे, ठीक है। अब ये ओवरी पर एक्ट किया, और ओवरी जो है यहाँ पे दो हार्मोन पैरेलल में रिलीज करता है, कौन कौन सा दोस्तों, एक तो एस्ट्रोजन जो हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं, और दूसरा दोस्तों इनहिबिन, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हम रेगुलेशन को समझा रहे हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, और GnRH कहाँ एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है FSH, और ये FSH एक्ट ऑन द ओवरी, ठीक है, और उसके बदले में ओवरी क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है। तो अब एस्ट्रोजन और इनहिबिन दोनों एक पैरेलल हार्मोन है, तो दोस्तों एस्ट्रोजन रिलीज हुआ ये तो बात समझ में आता है, बट यहाँ पे इनहिबिन का क्या फंक्शन है, तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मेनली यहाँ पे इनहिबिन जो है निगेटिव फीडबैक के लिए डेवलप हुआ है, यानी कि जब एस्ट्रोजन का अमाउंट हमारे मतलब एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है ब्लड में जब इंक्रीज होने लगता है, अब ज़्यादा और एस्ट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके लिए फीडबैक मैकेनिज्म एक डेवलप हुआ है, यानी कि जैसे ही एस्ट्रोजन ब्लड में सिंथेसिस मतलब ब्लड में इसका क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्या होता है, एक निगेटिव फीडबैक जाता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, दोनों को जाता है दोस्तों, कि अब तुम ज़्यादा FSH मत निकालो, और हाइपोथैलेमस को जाएगा कि तुम ज़्यादा अब GnRH मत निकालो। तो ये निगेटिव फीडबैक देता कौन है दोस्तों, तो ये निगेटिव फीडबैक एस्ट्रोजन और इनहिबिन दोनों देता है, ठीक है, यानी कि इनहिबिन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निगेटिव फीडबैक के लिए, किसके लिए, निगेटिव फीडबैक के लिए, किसके लिए निगेटिव फीडबैक, एस्ट्रोजन हार्मोन के लिए, कि अब ब्लड में एस्ट्रोजन का अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा है, अब एस्ट्रोजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसके लिए निगेटिव फीडबैक कहाँ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस में जाएगा कि अब तुम GnRH मत निकालो, और फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा कि अब तुम FSH मत रिलीज करो, ठीक है। और यहाँ पे GnRH और FSH दोनों रिलीज नहीं होंगे तो वापस से एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं होगा, अब हमारे ब्लड में मेंटेन रहेगा एस्ट्रोजन। तो ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पे अमाउंट बढ़ता है एस्ट्रोजन का, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन और इनहिबिन दोनों के दोनों निगेटिव फीडबैक सेंड करते हैं, किस किस को, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, तो जिससे कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का ब्लड में
क्वांटिटी मेंटेन हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू।